अरे बेटा इबाद जी। अब्बू इबाद। अरे बड़े चेंज हो गए तुम। अब्बू वक्त के साथ तो चेंज होना पड़ता है ना, आप भी तो कितना चेंज हो गए। अरे तुम्हारी दाढ़ी कब आई? अरे अब्बू दाढ़ी को आए हुए 4 साल हो गए। अरे पिछली मरतबा देखी थी तो नहीं थी? अरे अब्बू आपने 4 साल पहले देखा होगा। और सुनाओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं अब्बू, फारिग चल रहा हूँ। अच्छा तुम भी फारिग हो, पबजी खेलते हो? अरे अब्बू पबजी का पक्का मुजाहिद हूँ मैं। आ जाओ फिर मिलके जिहाद करते, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। आ जाओ। 1, 2, 3, 4, 5 और भाई क्या चल रहा है? बस यार पढ़ाई मुकम्मल की, अब जॉब कर रहा हूँ। जॉब? जॉब कहाँ पर कर रहे हैं? बस यार एक मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें जॉब कर रहा हूँ। भाई मेरी भी लगवा दें। हैं? जॉब? पढ़ाई हो गई तुम्हारी? हाँ इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग? अबे ऐसे अच्छा खुदकशी कर लेते। अबे कोई कॉमर्स वगैरह करते, कुछ मीडिया साइंस करते, कुछ जॉब मिलती, अब तो बहुत मुश्किल है। वैसे भाई मुझे मसला नहीं है, मेरा चैनल भी है। चैनल? कौन सा चैनल? यूट्यूब चैनल। अबे यूट्यूब चैनल यार, क्या नाम है? डी फनफिन। फनफिन? अबे कैसा नाम रख लिया यार। सब्सक्राइबर कितने? 1,30,000। 1,30,000? बताया नहीं तुमने आज तक। कैसे बताता, इतने अरसे बाद तो मिल रहे हैं हम। हाँ ये बात तो है। वैसे डॉलर वगैरह मिलते हैं? हाँ भाई आते हैं, हर महीने आते हैं। लेकिन एक बात है यार, YouTube चैनल का फायदा नहीं है। YouTube पे मेहनत बहुत है, फेम इतना सा है। TikTok पे आओ, कम वक्त में ज्यादा फेम। TikTok? हाँ ना, देखो तुम भी फारिग हो, मैं भी फारिग हूँ, और फारिग लोग TikTok बनाते हैं, तो TikTok बनाते हैं। ठीक है भाई बनाते हैं। अब देखो टाइम कैसा पास होता है। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? नहीं नहीं कुछ नहीं, लाओ मुझे तो मैं काट लेता हूँ। अरे नहीं मैं काट लूंगी। अरे मेरा वैसे ही टाइम पास नहीं हो रहा, लाओ तो काट लेता हूँ। अरे मैं काट लूंगी। अरे यार तुम सुबह से काम कर रही हो, लाओ तो काट लेता हूँ। नहीं ना आप छोड़े, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं काट रही हूँ। हाँ ये तो मैं भूल ही गया था कि काटना तुम्हारा काम है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि पहले तुमने अली का काटा, फिर उसामा का काटा, मेरा काट रहे हो। हाँ तो तुम भी तो औरतों के कामों में दखल अंदाजी कर रहे हो, मैं जब काट रही हूँ तो काटने दो मुझे। हाँ मैं भी ये कह रहा हूँ कि काटना तुम्हारा काम है, दूसरों को काटने क्यों दोगे तुम? एक तो बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी है, तुम्हारे ऑफिस की भी छुट्टी है, दिमाग खराब करके रख दिया। मैं भी ऑफिस जाता था ना सुकून होता था, कम से कम तुम जैसी औरत की बकबक नहीं सुननी पड़ती थी। अरे मेरी जैसी औरत है वो जो तुम्हें बर्दाश्त कर रही है, कोई और औरत होती ना वो तो अभी चली जाती इसी घर से। हाँ हाँ मेरी जगह भी कोई और शौहर होता ना अभी तक अलग इख्तियार कर लेता। हाँ तो कर लो ना अलग इख्तियार, मैं भी नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। अरे मैं पागल हूँ कि तुम जैसी बदजबान औरत के साथ बकबक कर रहा हूँ, इससे अच्छा अपने बच्चों के साथ जाके बैठ जाऊँ, थोड़ा अच्छा टाइम पास होगा। हाँ तो जाओ ना जाओ। बदजबान तुम, बदजबान चलो। इससे अच्छा अपने बच्चों के साथ जाके बैठ जाऊँ, थोड़ा अच्छा टाइम पास होगा। मम्मी ये कौन सी डिश बनाई है, बहुत मजेदार लग रही है। बेटा ये खिचड़ी है। खिचड़ी? इतनी मजेदार कैसे हो गई? हाँ अब तो बड़ी मजे की लगेगी ना, सारा सारा दिन तुम फास्ट फूड खाते हो, अब पूरा कराची बंद है, सारे फास्ट फूड बंद है, बर्गर बंद है, पिज्जा बंद है, तो अब तो मजे की लगेगी ना तुम्हें। नहीं नहीं अम्मी वाकई में मजेदार लग रही है। हाँ घर में रहोगे तो पता चलेगा ना घर का स्वाद। अम्मी सुबह से घर में रह रहे के बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। बोर हो रहे हो तो बेटा टीवी देख लो। अम्मी टीवी में वही चल रहा है, जो चैनल लगा वही चल रहा है, आपको तो पता है ना। अरे बेटा तो मोबाइल यूज कर लो। अम्मी मोबाइल यूज कर करके सर में दर्द हो गया है। ओहो मोबाइल यूज करके सर में दर्द हो गया, तो बेटा एक काम करो सो जाओ। अरे अम्मी लोग थक थक के सोते हैं, मैं सो सो के थक गया हूँ। मोबाइल भी यूज कर लिया, टीवी भी देख लिया, सो भी गए, तो बेटा एक काम करो तुम बाहर चले जाओ। हाँ यही तो सुनना चाह रहा था मैं, बाहर जा रहा हूँ। A few moments later, पुलिस ने खिलाफवर्जी के मुर्तकिब नौजवानों को मुरहा बना दिया।